मुख्य शब्द कीवर्ड्स: संक्रामक रोग, कम्युनिकेबल डिजीज, असंक्रामक रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, वाहक वेक्टर, प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम, जीवाणु बैक्टीरिया, विषाणु वायरस, शोथ इन्फ्लेमेशन, टीकाकरण वैक्सीनेशन, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एड्स एक्वायर्ड ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, दीर्घकालिक रोग क्रॉनिक डिजीज, तीव्र रोग एक्यूट डिजीज। हमने सीखा, स्वास्थ्य वह स्थिति है जिसमें शारीरिक मानसिक और कौशल युक्त कार्य अपनी क्षमता एवं दक्षता के साथ पूरा किया जा सके। रोग शब्द को अंग्रेजी शब्द डिजीज से दर्शाया जाता है जिसका अर्थ आराम में बाधा होना है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सार्वजनिक स्वच्छता महत्वपूर्ण है। तीव्र रोग उपचार करने पर कुछ समय में ठीक हो जाते हैं, जैसे चोट लगने के कारण बुखार। दीर्घकालिक रोग लंबी अवधि तक बना रहता है, जैसे TB। दूषित जल, आहार में पोषक अवयवों का अभाव आदि रोगों के उत्पन्न होने के सहायक कारण हो सकते हैं। संक्रामक कारकों द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं। उदाहरण हैजा, टाइफाइड, एड्स एवं क्षय रोग आदि। एड्स के रोगी के प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना उसकी मृत्यु का कारण होता है। जीवों में प्रतिरक्षा तंत्र रोगजनकों और अवांछनीय कोशिकाओं को पहचानकर इन्हें नष्ट करके रोगों से जीव की रक्षा करता है। विषाणुओं से उत्पन्न रोग जैसे टिटनेस, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, खसरा, पोलियो आदि का सामना करने के लिए प्रतिरोधक क्षमता विकसित की जाती है। टीकाकरण द्वारा संक्रामक रोगों का निवारण किया जा सकता है।